सरकार के फैसले से बढ़ सकते हैं खाद्य तेल के दाम। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खाद्य तेलों से स्टॉक सीमा हटा दी है। 2 नवंबर को प्रकाशित राजपत्र संख्या 4870 बुधवार रात को सामने आया। ताजा आदेश के अनुसार अब थोक विक्रेताओं के साथ बड़ी रिटेल चेन पर भी तेल के स्टॉक की कोई सीमा लागू नहीं होगी। करीब 1.5 साल से खाद्य तेलों पर स्टॉक लिमिट लागू थी। सरकार के आदेश से अब तेलों के दाम एकाएक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि ताजा आदेश के बाद अब खाद्य तेलों की महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दीपावली के ठीक बाद सरकार ने तेलों पर से स्टॉक लिमिट हटाने का आदेश जारी किया था। इससे पहले जुलाई 2021 से लगातार सरकार स्टॉक लिमिट के अमल में सख्ती करते हुए अवधि भी बढ़ा रही थी, लेकिन छूट के आदेश से आम खरेची यानी खुदरा विक्रेताओं को अलग रखा हुआ है, यानी उन पर स्टॉक लिमिट पहले की तरह लागू होगी। इसके खिलाफ अब आवाज उठाई जा रही है। व्यापारी आरोप लगा रहे हैं कि एक ओर सरकार बड़ी कंपनियों की रिटेल चेन को छूट दे रही है और सामान्य व्यापारियों पर बंदिशें लागू कर रही है। कारोबारियों के अनुसार स्टॉक लिमिट हटाने का निर्णय सोयाबीन मूंगफली किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में सोयाबीन और मूंगफली की नई फसल आ चुकी है। खाद्य तेलों के दाम बढ़ने से इन फसलों के दाम भी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है और उम्मीद है कि इससे किसानों को अच्छी कीमत मिल सकती है। इसी बीच आशंका ये भी जताई जा रही है कि स्टॉक लिमिट हटने से अब उपभोक्ताओं के लिए तेल फिर से महंगा होगा। दरअसल रूस ने बीते दिनों काला सागर से यूक्रेन से सूरजमुखी तेल के निर्यात के लिए दिया पैसेज बंद करने का निर्णय लिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर दबाव है। वहीं देश में अब लगनसरा की मांग निकलने जा रही है। देश में दिवाली से शादियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे में बड़ी मांग के कारण खाद्य तेलों के दाम में उछाल आ सकता है। माना जा रहा है कि आगे चलकर फिलहाल खाद्य तेल की कीमतों में कमी के आसार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।